हे दोस्तों, क्या हाल चाल यार। आज का पहला कंटेंट है हौसला रख और आज है दशहरा, तो सबसे पहले दशहरा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस पहली फिल्म के रिव्यू को और कैसा रहा इसे देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस, क्या आप इसे देखना देखें, क्या ये थिएटर में जाने लायक थी या नहीं, ये सब जानने के लिए तो आपको इस रिव्यू बने रहना होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले बात कर लें कास्ट की, तो भाई दिलजीत नजर आने वाले, शहनाज गिल नजर आएंगी, साथ में सोनम बॉस वॉइस में नजर आने वाली है। और इस फिल्म को जो प्रोड्यूस करा ना वो दिलजीत ने करा, फर्स्ट टाइम भाई दिलजीत भी प्रोड्यूसर बन चुके हैं। तो भैया ज्यादा स्पॉइलर नहीं फैलेंगे, सीधा स्टोरी पाएंगे। अब देखो स्टोरी फोकस कर रही है दिलजीत, जिसे प्यार हो चुका है शहनाज गिल से। जी हाँ, प्यार प्यार में भैया कर चुके हैं, वन नाइट स्टैंड वाले सीन, और उसके बाद उन्हें हो गया एक बच्चा। लेकिन शहनाज गिल एक मॉडर्न जमाने की लड़की ऐसा समझना चाहती है वो अपने आप को। अब वो क्या करती है, उसे डिवोर्स लेती है और कहती है इस बच्चे की स्टडी भी इसे दे दो, स्टडी करो मैं कस्टडी इसे दो, यानी कि ये इसे संभाले। तो भैया अब दिलजीत संभाल रहा उस बच्चे को, और गुजर चुके 8 साल, 8 साल के बाद उसकी लाइफ फिर से खिलने वाली है, क्योंकि उसकी लाइफ में आने वाली है सोनम बाजवा, जिससे उसे देखने के बाद प्यार हो चुका है। अब वो उसके साथ सेटल होना चाहता है, अब वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है, और कार्ड बढ़ चुके हैं जी हाँ। लेकिन उसकी लाइफ में टेंशन बढ़ने वाली है दोबारा से, क्योंकि अब दोबारा से एंट्री मारने वाली है शहनाज उसकी लाइफ में। अब आगे क्या होने वाला है, क्या उसकी शादी हो पाएगी या नहीं, शहनाज गिल उससे दोबारा शादी करेंगे या नहीं, अब क्या रिएक्शन रहने वाला है इस फिल्म की स्टोरी का आगे, ये सब जानने के लिए तो आपको इस फिल्म को जाकर देखना होगा। अब बात करूँ इसकी स्टोरी मुझे कैसे लगी, देखो स्टोरी ऐसी काफी सारी है, इस कॉन्सेप्ट पर काफी बनाई गई, लेकिन जो इसकी प्रेजेंटिंग, जो इसका एक्सीब्यूशन, जो इसकी करेक्टर राइटिंग है वो काफी अच्छी है। जो इसके अंदर कॉमेडी और ह्यूमर को क्रिएट किया गया है ना, वो तो लाजवाब था। जी बात कर लो इसके स्क्रीन प्ले मुझे कैसे लगा, तो स्क्रीन प्ले ठीक ठाक है, क्योंकि फर्स्ट हाफ से आप हंसने लग जाते हो और अच्छा खासा इसके अंदर कॉमेडी ह्यूमर आपको देखने को मिल जाता है, और जो डायलॉग थे वो भी काफी ज्यादा कॉमेडी थे, ठीक है। वहीं बात कर लो भाई जो सेकंड हाफ आने वाला है, उसके अंदर भी आपको अच्छा खासा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट में इसके अंदर आपको एक छोटा सा ट्विस्ट देखने को मिलता है। और पूरी की पूरी फिल्म ओवरऑल मैं कहूँ जो इसका स्क्रीन प्ले था वो काफी ज्यादा अच्छा निकल गया है। बात करें एक्टरों की परफॉर्मेंस के बारे में, तो दिलजीत का काम अच्छा खासा था, वहीं शहनाज गिल को काफी कम टाइम मिला फिर भी उन्होंने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, सोनम बाजवा उनका भी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस था। अब बात कर ले भाई इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी, वो काफी अच्छी खासी थी, जो इसके अंदर बीजीएम था वो भी अच्छा खासा, जो वीएफएक्स है वो भी अच्छा, और जो सिनेमोग्राफी है ना, जो साइटों पर इनकी शूटिंग की गई है वो तो भाई लाजवाब थी। भैया मान गए कि भाई पंजाबी एक ही जगह रहने में मस्त है, वो है विदेशों में। अब इसे आप देखें या ना देखें, तो सबसे पहले बताऊं देखो ये 80+ के अंदर है, क्योंकि कुछ इसके अंदर एडल्ट सीन तो आपको ऐसे नजर नहीं आएंगे, फिर भी ऐसी फीलिंग आ जाती है। अगर आप रोमांस और कॉमेडी से भरी पंजाबी मूवी देखना चाहते हो तो ये फिल्म काफी जबरदस्त है, और इसके लिए जो मैं रेटिंग देना चाहूंगा वो देना चाहूंगा 6/10। अगर आपको देखनी है या नहीं तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि रिव्यू तो मैंने दे दिया। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।